हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो देखेंगे। ऐसे कौन से टॉपिक होते हैं जो कि फ्रिक्वेंटली होते हैं, वो सीएसआई नेट के अंदर होते हैं, पूछे जा रहे हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। आई होप आपने रिवीजन होता है वो कर लिया होगा इन टॉपिक का। अगर हम बात करें तो अगर आपने ये टॉपिक होते हैं वो पढ़े हैं तो आप अच्छे से इन टॉपिक होता है वो एक या तीन दो या तीन बार होता है वो वापस से रिवाइज करें, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जहाँ पर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछने के काफी ज्यादा चांसेज होते हैं। यानी कि ये टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स होता है वो दिला सकते हैं। और हम बात करें तो आपके एग्जाम में 1 वीक होता है, उसका टाइम रह गया है। खुद को मोटिवेट रखें, आपको ऐसा लगेगा ये ऐसा टाइम होता है जहाँ पर मैं भी इसी दौर से गुजरी हूँ, जहाँ पर आपको लगता है कि आपको कुछ भी याद नहीं हो रहा है, सब कुछ बोलते जा रहे हो, बट ये फ्रिक्वेंटली सबके अंदर हैबिट होती है। एग्जाम पास में आता है सबके साथ में, ऐसा होता है मेरे साथ में भी हुआ था। आपको ऐसा लगेगा कि हमें कुछ भी नहीं याद है, हम पिछले वाला होता है वो सारा बोल रहे हैं, बट खुद पर कॉन्फिडेंस रखें, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। जैसे ही आप एग्जाम में बैठेंगे सब कुछ याद होगा आपको। आप खुद पर विश्वास रखें और खुद पर कॉन्फिडेंस रहे कि मैं अच्छे से एग्जाम होता है उसको क्लियर करूंगा और अच्छे से होता है वो नंबर लेकर आएंगे। अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ पर फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री होता है, उसके अंदर एंजाइम होता है, वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको स्किप ना करें। अगर आपने अभी पढ़ा है इन टॉपिक्स को तो ही आप इनको फ्रिक्वेंटली होता है वो रिविजन करें। अगर आपने पहले से स्किप किया है तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप अभी नया टॉपिक होता है वो पढ़े, क्योंकि नया टॉपिक पढ़ने का टाइम होता है वो नहीं रहा, क्योंकि 1 वीक का टाइम है। आपने जो भी पढ़ा है उसी का प्लीज रिविजन करें, नए टॉपिक बिल्कुल भी ना पढ़े। यानी एंजाइम होता है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। साथ में मेटाबोलिज्म होता है, वहां से डायरेक्टली जो लास्ट ईयर जून का एग्जाम हुआ था वहां पर जो टीसीए साइकिल होता है वहां से एटीपी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने एटीपी बनते हैं, कितने एनएडी पीएस2 होते हैं वो बनते हैं। यानी कि आप सोच सकते हो कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं, तो मेटाबॉलिज्म से और एंजाइम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, लेकिन इन्हें ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, क्योंकि आने से ज्यादा चांस होते हैं, वो दो टॉपिक में ज्यादा से ज्यादा चांस है कि क्वेश्चन बन जाएगा। अगर हम बात करें तो यूनिट सेकंड सेल बायोलॉजी होता है। सेल बायोलॉजी में सेल साइकिल से हर ईयर क्वेश्चन देखा जाता है, और साथ में प्रोटीन टारगेटिंग में भी कभी नहीं देखा जाता, बट ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है प्रोटीन टारगेटिंग। और फिर अगर थर्ड यूनिट के अंदर देखें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होता है, उसके अंदर रेप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। रेप्लीकेशन होता है, उसको ज्यादा से ज्यादा रिविजन करिए। उसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं वो डीएनए, जैसे प्रोकैरियोट्स में कौन से एंजाइम होते हैं, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स एप्लीकेशन होता है, उसके बीच में डिफरेंस होता है, उसको अच्छे से याद करें और अच्छे से समझे, रिकॉल करें ज्यादा से ज्यादा चीजें होती हैं उनको अब इस टाइम में। और ट्रांसक्रिप्शन होता है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर हम देखें तो फोर्थ यूनिट होता है सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग में जीपीसीआर होता है, उसके काफी ज्यादा होते हैं कि यहां से क्वेश्चन बन जाता है। और अगर देखें तो कैंसर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसे भी आप अच्छे से याद करें। सेल में जो इंट्रक्शन होता है, जहां पर सेल इंट्रक्शन और मैट्रिक्स इंट्रक्शन होते हैं वो हमने देखे थे, जहां पर मैंने शॉर्ट नोट्स होता है वो भी करवा रखे हैं आपको। अगर हम बात करें तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां कैडरिन वगैरह होते हैं, इसे हर ईयर होता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग होता है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर हम फाइव यूनिट के अंदर देखें, अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट होती है तो वो यूनिट डेवलपमेंट बायोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी, ऐसी यूनिट होती है जहां से डायरेक्टली होता है क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब ज्यादा एक्सपीरियंस जो एक्सपेरिमेंट होता है उसे घुमाया नहीं जाता है, क्वेश्चन को डायरेक्टली पूछा जाता है। काफी स्कोरिंग यूनिट होती है, जहां पर आई होप आपने जो यूनिट होता है उसको स्किप नहीं किया होगा, क्योंकि डेवलपमेंट बायोलॉजी में जो ड्रोसोफिला होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। इनके जो म्यूटेशन होते हैं जैसे एंटीनीपीडिया वगैरह होते हैं जो ड्रोसोफिला के अंदर, उनको अच्छे से देखा जाए। और जो सी एलिगेंस होता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं तो कुछ फ्रिक्वेंटली जैसे टॉपिक होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं हर ईयर, उसका वहां से क्वेश्चन आएंगे। अगर हम सिक्स यूनिट होता है उसके अंदर देखें तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर फोटोसिंथेसिस, जहां पर हम सी टू साइकिल, सी थ्री साइकिल, कैम पाथवे, इनके बारे में पढ़ते हैं, ये कभी भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड फाइटो हार्मोन्स से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां से सिग्नलिंग होता है वहां से ज्यादा होता है, जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और ज्यादातर जो जिबरेलिन होता है वहां से भी ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वहां से क्वेश्चन पूछा जाए। फिर आता है कि यूनिट सेवन के अंदर देखें तो यहां पर मुझे ज्यादा आइडिया नहीं इस यूनिट में, क्योंकि मैंने इसे ज्यादा नहीं पढ़ा है, शॉर्ट में पढ़ा है। तो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, मे बी यहां पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, जहां पर आपको ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड और जो एड्रेनलिन ग्लैंड होता है इनके बारे में पढ़ते हैं, जहां हार्मोन्स आते हैं डिटेली एनिमल्स फिजियोलॉजी के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनिट अगर जो एट होता है उसके अंदर देखिए तो जेनेटिक्स के अंदर पेडिग्री होता है, वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हर ईयर आना है क्वेश्चन तो आना ही है क्वेश्चन, यानी आएगा ही आएगा, या तो 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है या 4 मार्क्स का। अगर हम 9 यूनिट होता है उसके अंदर देखें तो 9 यूनिट होता है वो ऐसी यूनिट होता है जहां पर आई हो आपने भी किया होगा, कुछ स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, तो आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है वो पढ़ सकते हैं। मुझे मतलब मैंने ये यूनिट होता है वो ज्यादा नहीं पढ़ी है। अगर हम 10th यूनिट होता है उसके बारे में देखें तो इकोलॉजी होता है, इकोलॉजी के अंदर होता है पॉपुलेशन ग्रोथ, जहां पर हम जियोमेट्रिकल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां से वो ग्राफ होता है वो फ्रिक्वेंटली 4 या 5 बार होता है, वो डायरेक्ट पूछा जा चुका है और 4 मार्क्स में पूछा जा चुका है। तो आप अच्छे से जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है उनके बारे में पढ़े, और जो कम्युनिटी होता है वहां से भी चांस रहता है कि क्वेश्चन बन जाए। अगर हम बात करें तो इवोल्यूशन होता है, यानी यूनिट नंबर 11 होता है, इवोल्यूशन होता है जहां पर क्या होता है टाइप ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन जहां पर हम डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है उनके बारे में पढ़ते हैं, उनको डिटेल में पढ़े, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है जहां डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। उनकी जो थ्योरी होता है इवोल्यूशन की, जैसे डार्विन के द्वारा और जो लेमार्क वगैरह होते हैं उनकी थ्योरी, और डायरेक्ट साइंटिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी, इसके बारे में भी आप डिटेल में पढ़े, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम यूनिट होता है वो 12 एंड 13 के अंदर देखिए टेक्निक्स के अंदर, जहां पर ये भी काफी वास्ट यूनिट होता है, जहां पर आप फ्रिक्वेंटली होता है एग्रोबैक्टीरिया में भी चांस रहता है कि यहां से क्वेश्चन आ जाए। और मॉलिक्यूलर मार्कर्स, जहां पर आपको पेडिग्री के रूप में भी देकर भी मॉलिक्यूलर मार्कर्स को पूछा जा सकता है या डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसा यूनिट होता है, टॉपिक होता है इस यूनिट के अंदर जहां से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जैसे सीटी एंड एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी सर्कुलर डायमॉर्फिज्म, ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, मतलब ये टॉपिक होते हैं जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, जहां पर लास्ट ईयर जून के अंदर सीडी होता है उससे डायरेक्ट वो ग्राफ जो मैंने पढ़ाया था, इसी जो ऐप होता है वहां पर मैंने पढ़ाया था, इस यूनिट के अंदर जहां सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो ग्राफ होता है वो कम से कम 4 या 5 बार होता है उससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप जो ये टॉपिक बताए हैं जहां से क्वेश्चन आने हैं, आप 2 या 3 बार होता है उनको अच्छे से क्या करें, रिकॉल करें, ज्यादा से ज्यादा होता है वो पढ़ने के बजाय आप रिवीजन करें, लेकिन रिवीजन ऐसा होना चाहिए जो कि आपको
आपको हेल्प करे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्या करें, रिकॉल करें, माइंड के अंदर होता है वो। और बेस्ट विशेज हैं कि आप अच्छा एग्जाम दें। और आपको होता है वो किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई टॉपिक होता है, मैं शॉर्ट नोट्स होता है वो आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।